What is up YouTube? Welcome back to another new vlog, another new video of off season 2024. वेट हो चुका है 87 किलोस और आज है सैटरडे, पुश एंड पुल वर्कआउट दोनों साथ में करना है। काफ़ी ज़्यादा वजन हो चुका है, मसल मास के साथ थोड़ा फैट एक्युमुलेशन भी हो रहा है, बट अगले वीक से हम लोग कार्डियो ऐड करने वाले हैं अपने वर्कआउट के बाद, यानी पोस्ट वर्कआउट कार्डियो अगले वीक से ऐड हो जाएगा। एंड आज है ट्रेनिंग डे, कल है रिकवरी, कल है संडे। ये था मेरा सुबह का फिजिक अपडेट, अभी मैं जाऊंगा। मेरा जो बिस्तर है थोड़ा गंदा हो गया, उसे साफ सफाई करूंगा, सरियाऊंगा, समेटूंगा एंड अपनी मील्स बनाऊंगा, मील्स खाऊंगा। तो मैंने अपना सुबह का सबसे पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले आधा बोतल पानी पीता हूँ, मतलब 500 से 700 ml पानी लेता हूँ। ये सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीने का जो प्रोसेस है ना, ये बेसिकली मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा जो गट हेल्थ है वो अच्छा रहे, जितना भी वेस्ट है वो जल्दी फ्लश आउट हो जाए सुबह सुबह और पूरा पेट साफ रहे। डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले अपना लगभग लगभग आधा से एक लीटर पानी अगर पीते हैं ना, तो आपका पेट हमेशा साफ रहेगा रहने वाला। इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले बोतल में पानी भरता हूँ और पीता हूँ, अगर पानी मेरे पास भरा हुआ है कैसे पी लेता हूँ। सो टाइम हो गया है सबसे पहले मिल का, और सबसे पहले मिल रहे होगा हम लोग का 120 ग्राम ऑफ ओट्स और 110 ग्राम ऑफ ओट्स एंड 250 ml वाटर एंड 1.5 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, 5 ग्राम ग्लूटामाइन, दैट्स ऑल। दैट इज फॉर द फर्स्ट मील, यही हम लोग की पहली मील होगी। दूसरी मील में हम लोग एग्स और ओट्स लेके, तो वो भी दिखाऊंगा, पहली मील करते हैं। दिस इज द ओट्स, 124 ग्राम खाऊंगा, इसमें 1.5 स्कूप वे प्रोटीन डालूंगा। सो मील रेडी हो चुकी है, अब मैं खाऊंगा। सो कल मेरी आनंद सर से बात हो रही थी और सर ने मुझे कुछ अपडेट्स के लिए कॉल किया था, सर को कुछ अपडेट्स लेने थे मेरे से, इसलिए सर ने कॉल किया था। बेसिकली मेरे डाइट के रिगार्डिंग, मेरी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, मेरे सप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग। तो सर ने मेरे से यही पूछा कि मैं, मेरी जो डाइट है उसका टाइमिंग बेसिकली क्या है और टाइमिंग कैसे इम्प्रूव हो सकती है, या फिर जिन दो मील्स के बीच में ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो जा रहा है वहाँ पे हम लोग एक मील और ऐड कर सकते हैं। सर ने ये बताया, सर ये कह रहे थे कि अभी मेरी जो फिजीक है, मेरी जो बॉडी है वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, इसलिए अभी हम लोग जितने भी मील्स हैं वो सब सॉलिड फूड से लेंगे, ना कि ज़्यादातर सप्लीमेंटेशन से। बेसिकली सप्लीमेंटेशन का रोल है, मगर फिजिक जब अच्छा रिस्पॉन्स देती है ना, तो हम लोग को अपने ज़्यादातर मील्स होल फूड्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, चिकन, एग्स, ओके, इन सब से लेनी है, ना कि ज़्यादातर वे प्रोटीन से। तो एक चीज़ सर ने ये कही, दूसरी चीज़ ये कही कि सुबह वाले मील में एक स्कूप वे प्रोटीन और ऐड करना है, एक दिन में 2 स्कूप वे प्रोटीन रहेंगे हम लोग के। बट एट द सेम टाइम हम लोग को कोशिश ये करना है कि ज़्यादातर हम लोग का जो प्रोटीन इनटेक है वो या तो एग से आए, या चिकन से आए, या फिश से आए, या पनीर से आए, या मिल्क प्रोडक्ट से आए, बस इतना सही सर ने कहा। जो सर ने कल मेन बात ये कही वो ये थी कि इस ऑफ सीज़न हम लोग 97 to 98 केजीज तक जाएंगे और वहाँ पे जाके उस वेट को मेंटेन करेंगे, ओके। तो इस ऑफ सीज़न का टारगेट हम लोग का 90 किलोज नहीं है, हम लोग का टारगेट है 98 किलोज, ओके, सर ने कहा है हम लोग को। तो सर ने कहा है, अभी हम लोग का वेट है 87 केजीज, सो ये है हम लोग का नया गोल इस ऑफ सीजन का, 98 किलोज का।
अभी जो 87 kgs है इसको 10 kg और बढ़ा के 98 तक ले जाना है और लिए जाएंगे। एंड जब तक चलता है ऑफ सीजन तब तक चलाएंगे। उसके बाद सर ने कहा कि जब प्रेप स्टार्ट करना होगा या फिर कुछ भी आगे करना होगा, कट भी करना होगा, तो देखेंगे तब का तब। लेकिन अभी पहला गोल है 98 kilos तक, और फैट फ्री जाना है, कम से कम फैट को डिपॉजिट किए बॉडी पर लेकर जाना है 97-98 kilos, पूरे फैट को लेकर नहीं जाना है। सो दैट इज़ ऑल, इट वॉज द अपडेट अबाउट माई ऑफ सीजन। और जैसा कि देख ही रहे हैं, डाइट चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, रिकवरी चल रही है, सब चल रहा है ऑफ सीजन में। मिलते हैं मील टू में। दूसरी मील 114 grams ऑफ ओट्स, 6 whole eggs। तो ये वाली मील खा के हम लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे, और आज का जो वर्कआउट है पुश एंड पुल का दोनों को साथ में करेंगे। वन मोर थिंग, मैंने पहली मील में पीनट बटर भी ऐड किया था 1 spoon। अभी मैं गया था, मेरा एक बुक ऑर्डर होके आया था, वो है UGC नेट का प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अभी मैं बीपेड कर रहा हूँ। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि 2025 से UGC नेट के एग्ज़ाम्स देने चालू कर दूंगा। तो मेरा पार्सल आया था, तो वही मैं लेने गया था यहाँ पे LPU के मेन गेट पे गया था, और वहाँ पे अवरेल आया हुआ था, उसने मुझे कॉल किया, अवरेल ने मुझे पार्सल दे दिया। अवरेल मेरा एक दोस्त है जिसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊँगा। तो मेरा बुक आ गया है, और बेसिकली ये 3 volume का है, तो अभी इसको पढ़ूंगा। प्रिपरेशन तो चालू कर दिया पहले से, बस ये बुक और मंगवाना था मुझे। सो यही था बस आज के ब्लॉग के लिए, बस इतना ही। और अगले हफ्ते से हम लोग का week 8 चालू हो जाएगा, और अगला हफ्ता जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वैसे ही 2 महीने हम लोग को बल्किंग करते हुए ओवर हो चुके होंगे। और अगले वीक में अगले अपडेट्स आएंगे, न्यू अपडेट्स आएंगे, वेट कितना हुआ एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो लास्ट में यही बोलूँगा, कीप वर्किंग हार्ड, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज नॉट ओवर येट। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। पीस।